चलो 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 कम ऑन। और मैं आपको एक सेकंड के लिए खाली रुक के दिखा देता हूँ बर्फ जो है मेरे बगल में, यानी कि ये ऐसे करके छू के, यस बड़ा वाला वाटर क्रॉसिंग। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये तो भाई लग गई है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम जिस्पा। रात 0 डिग्री वाली थी बिल्कुल, और वाटर अभी जो बाथरूम में आ रहा है बिल्कुल फ्रीजिंग है। दो दो कंबल लेके यहाँ पे ओढ़ के सोना पड़ता है, बट इंतज़ाम बहुत अच्छा था यहाँ पे टेंट पे। और चलिए आपको बाहर का सीन दिखाते हैं, सुबह सुबह कैसा हो रहा है यहाँ पे। चलिए लेट्स गो बाहर। यस बात की क्या, वालेकुम सलाम। ये आ गया हमारे साथ सोनू। सोनू और हम लोग देखिए पीछे में बर्फ जमी हुई पहाड़। हाँ, बहुत ठंड है और बहुत ठंड है, सोनू बोलता है बहुत ठंड है। बाकी जितने भी मैंने व्लॉग देखे थे तो मुझे लगता था जिस्पा एम ही टाइप है, बट रियली जिस्पा इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड वेलकम फ्रॉम जिस्पा। टुडे इज डे 4 ऑफ आवर राइड, और आज हम लोग जाएंगे सरचू वाया बारालाचा पास। और बारालाचा वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस है, 16,000 प्लस है, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। कल रात हमने जिस्पा में गुजारा, ये भी एक हाई अल्टीट्यूड है, 11,000 है, और बहुत ही खूबसूरत दिन है। और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं रब से कि आज का दिन हमारा बहुत ही प्यारा गुजरे। बहुत ही खूबसूरत टाउन है जिस्पा, जहाँ पे कैंपिंग बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं रिवर साइड पे, और ऐसा होटल भी है। ये अपना अपना चॉइस है कि आप किस तरह के लोकेशन को प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है एडवेंचर, तो आप ज़रूर कैंप साइड में ठहरिए। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते ठंड वन का, तो फिर आप होटल में ठहरिए। तो यहाँ से अगर आप चले जाइएगा तो पहुँचिएगा सिंकुला, और हम लोग जाएंगे बारालाचा। तो ये वो जंक्शन है जहाँ से आप, तो हम लोग को जाना है बारालाचा होके सरचू, सो वी आर गोइंग अप। अब हम लोग का सीधा सीधा क्लाइम है, क्योंकि वो पहाड़ के पीछे बारालाचा है जो सामने आपको दिख रहा है। लाइफ ऑन द एज इसी को कहा जाता है। और ये देखिए हमारे साथ में एक साइकिलिस्ट चल रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं। बिग सैल्यूट टू हिम फॉर हिज करेज। हम लोग की बाइक में हम लोग सोचते इतना कुछ कि कैसा रहेगा, कैसे करेंगे, ये डिफिकल्टी वो डिफिकल्टी, दैट गाइज डूइंग ऑन साइकिल मैन, बिग रिस्पेक्ट। गए हैं सूरज ताल लेक, और लेक में उतर के जाने का फिलहाल हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस एक एक फोटोग्राफ खिंचाएंगे। अब गोट क्रॉसिंग करना है,
जी ये गोट क्रॉसिंग ही होता है, ये भी काफ़ी टफ चीज़ है, ये बहुत सारी होती हैं बकरियाँ, और जब तक ये नहीं पार होंगी ना, अब आप भी नहीं पार हो सकते। तो चलिए, ये बकरा बकरी सबके वीडियो में होता है, हमारे में भी आना ज़रूरी था इसको। चल बच्चे चल, ये छोटा वाला बच्चा मुझे पसंद आ गया है, क्या रात के भोजन के लिए इसको ले चले? चला जाए। तो ये था मेरा स्टाइल वाटर क्रॉसिंग का, आई होप यू लाइक इट। एंड चलिए, अब यहाँ तो ट्रैफिक है तो थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो 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 कमान। यस, डोंट डू एनीथिंग सिली मशायर, उठाना बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड है, डोंट डू एनीथिंग सिली। कार वाले लोग सेफ ट्रैक से जा रहा है, तुम भी सेफ ट्रैक पकड़ोगे। हाँ जितना लोग बताते हैं कि टफ है, अब हम लोग जिंगजिंग बार आने वाले हैं, तो हम लोग पहुंच गए जिंगजिंग बार। यहाँ एक ढाबा भी है छोटा सा, जिंगजिंग बार का ये टॉप हो गया समझिए तो, बारालाचा से पहले। और हमें यहाँ सोनू रुक रहा है तो पता नहीं, मुझे भी रुकना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, और स्नो व्यू ढाबा के बिल्कुल सामने। और मुझे हाई किया भाई साहब ने, बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैंने चाय वाय नहीं पिया है, पानी ही पिया है बिल्कुल, क्योंकि मैं हाइड्रेटेड भी रहना चाहता था। इस एल्टीट्यूड पर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे लिए सही ना हो। मेरे सारे साथी पीछे हैं बाइक पे, दिस इज़ एट 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ये बहुत ऊंची जगह है। सो फार एवरीथिंग इज़ ओके, लेट्स सी एंड होप दैट एवरीथिंग गोज़ वेल टुडे। बारालाचा के ऊपर, और आई होप कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड वी डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी को बताया नहीं कभी कि मेरा ड्रीम था बारालाचा। बारालाचा के लिए मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसिनेशन है, इसीलिए मैं सबसे आगे अभी चल रहा हूँ अपने ग्रुप में, और मेरे सारे दोस्त बहुत पीछे हैं। And I wanted to be there, man. I could not hold myself. That's it. Snow. अब रोड के साइड से आपको स्नो दिखने लगे, क्योंकि हाइट हम लोगों ने ले लिया है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए खाली रुक के दिखा देता हूँ बर्फ जो है मेरे बगल में, यानी कि ये ऐसे करके छू के। यस, चलिए तो चला जाए।
बर्फ है और अच्छी बर्फ है, ताजी है, इतना तो है। सो लेट्स गो, अब बर्फ ही बर्फ, अच्छे रास्ते, प्यारा सीन, ऐसे ही अब चलेगा। मेरे दोस्त लोग नीचे से आ रहे हैं, दिख रहे हैं? यस, दे आर कमिंग 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 कमिंग। लेक ही खूबसूरत है और जगह देख के अब हम लोग भी रोकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, एक आध फोटो वोटो लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत है और हाई अल्टीट्यूड झील है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और निकल जाते हैं, अच्छा था निकल गए। कितना कुछ सोचा, कितना कुछ प्लान किया है तब यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ पे लेंगे किसकी फोटोग्राफ, ठीक है, और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से आगे। हाय गाइस, सो आई एम एट बारादाचा और बता नहीं सकता हूँ कैसी फीलिंग है यहाँ आने के लिए। कितने दिनों से तैयारी की थी, ये मेरा सपना था यहाँ पहुँचना, आज मैं पहुँचा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई कांट से हाउ मच आई एम हैप्पी। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, आपका साथ आपका प्यार मुझे यहाँ तक लेके आ गया। अच्छा, मैंने कर लिया, ये आप लोग के दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, साथ था कि मैंने इतने डिफ़िकल्ट टास्क को, इतने डिफ़िकल्ट पास को इतनी आसानी से किया, भाई यकीन नहीं होता है एक्चुअली। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। एक और वाटर क्रॉसिंग, लेट्स स्टार्ट। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, यस 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 यस, कर लिया। तो जैसे आप बारालाचा कंप्लीट करके आते हैं नीचे, तो देखिए पहाड़ों का व्यू और रंग दोनों हो जाता है चेंज, और पीछे रह गया बारालाचा। अब हम लोग जंस्कार रेंज से निकले हैं। ओके, फंस गया, इधर से निकलता हूँ भाई। ऑलराइट, हाँ ये ठीक था, गलती हो गई थी एक यार, टॉप बॉक्स लग का लॉक करना भूल गया था। वो तो अच्छा था कि मैंने सारा सामान अपना एक बैग में करके रखा था, तो वो बैग बाहर नहीं गिर सकता था। और पीछे से आकर्ष भाई ने मुझे लाके खाली मेरा एक सामान दिया जो शायद निकल के गिर गया था रोड पे, लकीली उन्होंने देख लिया। तो क्या करें यार, एक्साइटमेंट में होता है ये सब चीज़, और मुझसे भी हुआ। तो दैट इज़ बारालाचा इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। चलो बिस्मिल्लाह, निकल पड़े हैं हम फिर से।
नो रोड्स आर गुड और बैड। ओहो बड़ा वाला वाटर क्रॉसिंग, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये तो भाई लग गई है। तो ट्रक वाले को जाने देना होगा। आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू क्रॉस उसी लाइन को फॉलो करेंगे। चलो बिस्मिल्लाह। चलो कमान 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 कमान। ऑल राइट हो गया, कर लिया। ओके मुझे इशारा किया गया है कि मैं बढ़ूं, तो मैं बढ़ता हूँ यार। नॉट फॉर, ये ट्रिकी था यार, बहुत ट्रिकी था। ओके वॉपी कर लिए, सारे दोस्त आ रहे हैं। ओके ऑल राइट चलो चला जाए। ऑल राइट हाय हाय चलो चला जाए। भाई लोग, हम लोग हैं सरचू में और ये है हमारा सरचू का कैंप जहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। तो बारालाचा का हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सारे राइडर्स हमारे वाटर क्रॉसिंग को बिल्कुल पानी को पानी की तरफ पार किए। एंड दिस इज रांची राइडर्स, सो मेक सम नॉइस फॉर रांची राइडर्स। एंड रिएक्शन फ्रॉम बॉबी भैया। और रांची राइडर्स ने जिस तरीके से बारालाचा को क्रॉस किया है, सारे वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस किया है, आई गिव देम ए सैल्यूट कि रांची राइडर्स ने अपने नाम को बरकरार रखा
मेरे साथ हैं बॉबी भैया, और बॉबी भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज बारालाचा का, क्योंकि ग्रुप का ये पहला ऐसा राइड है जहां पे हम लोगों ने डिफिकल्टी लेवल को एक्चुअली आज देखा है कि होता क्या है। एक एल्टीट्यूड की डिफिकल्टी, एक टेरेन का डिफिकल्टी, एक वाटर क्रॉसिंग, हर तरह का आज एडवेंचर हम लोग के साथ हुआ है और बताएंगे अब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा। बॉबी भैया, वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग राइड एंड हैट्स ऑफ टू रांची राइडर्स, ऑल ऑफ देम दे परफॉर्मड रियली वेल। We didn't face any issues in any water crossing, the off-road sections, the ghat sections. I mean, it was just flawless. A big kudos, a big cheers to Ranchi Ride. Yes! लोग सब फैमिली वाले लोग हैं, बिजनेस और बिजनेस क्लास से भी हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हर वक्त इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। बट इस बार जो हमने सोचा था किया है, करके दिखाया है, और यकीन मानिए हम लोग सबके चेहरे पे खुशी है, हंसी है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप राइड करके जब हंसते मुस्कुराते हैं इसका मतलब है आप बहुत एंजॉय कर चुके हैं। ओके, सो थोड़ा अब हैंगओवर टाइप फील हो रहा है, मतलब ये एल्टीट्यूड वाला जो प्रॉब्लम होता है अभी कहीं ना कहीं ये अब थोड़ा सा स्ट्राइक किया है, तो यहाँ पे एक प्रेशर टाइप का फील हो रहा है, एक लग रहा है कि यहाँ पे भारीपन है, जिसको सर दर्द नहीं बोलेंगे, बस लग रहा है कि कुछ कमी है और एक भारी भारी लग रहा है इधर इधर। अभी देखते हैं ये कंडीशन कितने देर तक रहता है। इस एल्टीट्यूड पे जिंजर लेमन टी पीने का मजा ही अलग है। आज चाय के साथ वाई नहीं है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बेटा मेरे अंदर तो दम नहीं है उतना रिस्क लेने का, वरना अभी चाय के साथ चाय तो ज़रूर से ज़रूर होता है, क्योंकि चाय का मज़ा तो चाय में जो लोग जानते हैं समझते हैं। क्या भाई, सही ना?